नमस्कार, सुमन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही हल्की फुल्की और कम मसाले वाली रेसिपी, साबुत मूंग दाल की खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप साबुत मूंग की दाल ली और उसे हमने 3 से 4 घंटे गुनगुने पानी में सोख करके रख दिया था और अब हमने इसका सारा पानी निकाल दिया है। तो खिचड़ी बनाने के लिए भीगी हुई दाल ही लेनी है, कम से कम उसे 3 से 4 घंटे जरूर भिगोना है। और हमने यहाँ पर लिया है 1 कप बासमती चावल और इसे भी हमने अच्छे से धोकर 20 मिनट पानी में सोख कर दिया था। चावल को ज्यादा देर सोख नहीं करना है, इसे सिर्फ 20 मिनट के लिए सोख करना है। तो चलिए खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। खिचड़ी हम कुकर में बनाएंगे। 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और अब घी गर्म हो गया है तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। तो अब जीरा चटक गया है तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज और अब हम प्याज को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है तो हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, अदरक को हम काट कर ही डालेंगे, पीस कर नहीं डालेंगे, 1 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच नमक और इन्हें मिक्स कर देंगे। हम इसमें हल्दी और किसी भी तरह का कोई मसाला नहीं डाल रहे हैं, इसे हम बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे चावल, दाल और अब इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट भूनेंगे। और अब हमने इसे 1 से 2 मिनट भून लिया है तो हम इसमें डालेंगे 3.5 कप पानी। हमने यहाँ पर 1 कप चावल और 1/2 कप दाल ली थी तो हम उसका डबल पानी डालेंगे 3 कप, पर यहाँ पर हमने साबुत मूंग की दाल ली थी इसलिए हम 1/2 कप एक्स्ट्रा डालेंगे क्योंकि उसे पकने में टाइम लगता है। तो टोटल हम यहाँ पर 3.5 कप पानी डालेंगे और अब गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और जैसे ही इसमें विसल आ जाएगी तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे। कुकर में विसल आ गई है तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 3 से 4 मिनट इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। और अब इसे धीमी आंच पर पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसका प्रेशर पूरी तरह से निकल जाने के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको खोलेंगे। अब कुकर का प्रेशर पूरी तरह खत्म हो चुका है तो हम इसे खोल लेंगे। तो खिचड़ी बहुत अच्छे से बन चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे थोड़ी देर खुला ही छोड़ेंगे, लगभग 5 मिनट, और उसके बाद ही हम इसको सर्व करेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है। आप इसे प्याज और दही के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।